अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज की हमारी ये न्यूज़ स्कूल्स बंद करने के हवाले से वज़ीरे तालीम पंजाब मुराद रास के फैसला के मतलब है, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर किया। स्कूल्स बंद होंगे या नहीं, इस न्यूज के मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह की लेटेस्ट एजुकेशनल न्यूज के मतलब जानना और अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए हुए बेल के बटन को प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अब टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, स्कूल बंद होंगे या नहीं, इसका फैसला कोरोना केसेस की बुनियाद पर होगा। ये बात वज़ीरे तालीम पंजाब मुराद रास ने अपने ट्वीट के जरिए शेयर की। इनके मुताबिक स्कूल बंद करें तो लोग खुश नहीं, ना करें तो भी खुश नहीं। इंसानी जिंदगी सबसे अहम है। स्कूल बंद या खोलने के हवाले से किसी किस्म का कोई दबाव नहीं, क्योंकि स्कूल्स की बंदिश का फैसला कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की डेटा की बुनियाद पर ही किया जाएगा, क्योंकि पंजाब भर के कोरोना केसेस का डाटा महकमा तालीम पंजाब ने हासिल कर लिया है। इनका कहना है, हम पर किसी किस्म का दबाव नहीं है, तहम इंसानी जिंदगी सबसे अहम है। और इसी को देखते हुए 23 नवंबर को होने वाली बैनुल सूबाई वुज़रा तालीमी कॉन्फ्रेंस में फैसला किया जाएगा कि तालीमी इदारे बंद करने हैं या खोलने हैं और सर्दियों की छुट्टियाँ कितनी होंगी। वज़ीरे तालीम ने मजीद कहा कि इस वक्त दानिशमंदाना फैसले की अशद जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।